स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो हम आगे चलाते हुए सॉल्यूशंस के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सॉल्युबिलिटी को लेकर। पिछली दो वीडियोज में मैंने आपको सॉल्यूशंस का पहले तो इंट्रोडक्शन दिया। सॉल्यूशंस होते क्या हैं, किस किस टाइप के होते हैं, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, हमने पूरी तरीके से वो बातें जान ली थी। आज की हम वीडियो में क्या करेंगे, हम सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी किसकी, सॉलिड की इन लिक्विड की कोई भी। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमें सॉल्युबिलिटी पता होना चाहिए क्या होता है। सॉल्युबिलिटी ये वो फेनोमेना होता है जिसके बेसिस पे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होता है। अब हम कहते हैं कि मान लीजिए आपने क्या लिया, सॉल्यूट लिया और सॉल्वेंट लिया। मान लीजिए आपने ले लिया चीनी और आप इसे पानी में घोलने जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे जब वो कम्प्लीटली सॉल्यूबल मतलब घुल गया, तो आप क्या कहते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है, ये सॉल्युबल है। तो वो फेनोमेना या फिर वो एक्सटेंट किसी सब्सटेंस का टू विच इट कैन बी कम्प्लीटली और यू कैन से इट कैन बी डिजॉल्व इन ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। वो एक्सटेंट किसी भी सब्सटेंस का जिस तक ये क्या करता है, किसी एक सॉल्वेंट में क्या हो जाता है, घुल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और कोई चीज़ अच्छे से घुल गई, मतलब पूरी घुल गया, आपने चीनी लिया और पानी में डाला, वो पूरी की तरह आपने क्या किया, वो घुल गया पूरा, आप क्या कहते हो उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी। सेकेंड थिंग, आप कुछ और ले लो, आप ले लो सैंड, सैंड को आप वाटर में क्या करो, डिजॉल्व करने जाओ तो क्या सॉल्युबल होगा, कोई नहीं होगा सॉल्युबल। आप कहोगे ये सॉल्युबल नहीं है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, अच्छी नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी फैक्ट हो जाता है। सॉल्युबिलिटी टर्म समझ में आई, सबसे पहले टर्म पता होनी चाहिए तो सॉल्युबिलिटी ना होंगे। अब सॉल्युबिलिटी डिपेंड किसके ऊपर करती है, हमारा जो टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स को जानने के लिए पहले आपको कुछ टर्म्स पता होंगी, जैसे पता होनी चाहिए जो कि आगे चल के इस पूरे चैप्टर में यूज होंगी, जो बेसिक है। सॉल्युबिलिटी पता चाहिए, सॉल्युबिलिटी के बाद ये डिपेंड किसके ऊपर करती है। अब कोई चीज़ है तो उसके ऊपर उनको किसी और किसी के ऊपर डिपेंड होती होगी। अब सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी मतलब घुलना, घुलेगी तो दो चीज़ इसमें इन्वॉल्व होगी होगी, एक तो आपका सॉल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा, आपका सॉल्वेंट होगा। तो एक तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के ऊपर करेगा। एज सेकेंड थिंग ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के ऊपर। फिर आता है आपका टेम्परेचर, फिर आता है आपका प्रेशर। इन चार चीज़ों के ऊपर आपका क्या करता है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। आप ये अभी ये जाने पॉइंट्स अगर आपको लिखने हो कि किसके ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है, तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। फैक्टर्स को हम डिटेल्स में आगे चल के पढ़ेंगे कि किस तरीके से सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर, सॉल्यूट की मात्रा के ऊपर या फिर सॉल्वेंट की मात्रा के ऊपर। लेकिन उससे पहले हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसे हमें डिटेल में अभी पढ़ना है, वो क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के टाइप्स भी होते होंगे कि किस किस टाइप का आपका सॉल्यूशन होता है। उसमें सबसे पहले आपका डिसोल्यूशन, मान लीजिए कि डिसोल्यूशन समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने कोई भी एक सॉल्वेंट लिया और आपने क्या किया, उसमें सॉल्यूट डाल दिया। आप एग्जांपल्स देखते हैं, ऐसे सॉल्यूट डालने के बाद वो डिसअपीयर हो जाता है। डिसअपीयर कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है कि जब आपने उसमें सॉल्यूट डाला तो वो कम्प्लीटली क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया। मीन्स क्या हो गया, पहले आपके पास जो सॉल्यूशन था, मान लीजिए ये सॉल्यूशन था, ये सिर्फ सॉल्वेंट था, इसमें क्या सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट दिखाई देगा आपको, लेकिन जब आपने इसमें सॉल्यूट डाले, मान लीजिए क्या आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स ये आपने डाले, तो उस केस में क्या होगा, सॉल्यूट डिजॉल्व हो गया। डिजॉल्व हो गया मतलब इसमें जो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट की जो मात्रा है, सॉल्यूट का जो अमाउंट है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है इसी को हम डिसोल्यूशन कहते हैं, कि आपने कोई भी सॉल्वेंट लिया और जब आपने उसमें सॉल्यूट डाला तो वो पार्टिकल्स पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गए और उसकी कंसंट्रेशन इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन कम्प्लीटली सॉल्व समझ में आ गया। फिर क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन में उल्टा होता है। डिसोल्यूशन में क्या हुआ, आपने सॉल्यूट के पार्टिकल्स डाले और वो कम्प्लीटली क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया।
आपको दिखाई देना बंद हो गया, मतलब आप समझ गए कि वो चीज उसमें पूरी सॉल्युबल हो चुकी है, वो तो वेर डी सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या हुआ, आपने सॉल्यूट के पार्टिकल्स डाले लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स उसमें डिजॉल्व नहीं हुए, बल्कि ऐसा हो गया कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपस में क्या करने लगे, कोलाइड करने लगे। एक और बात, मैंने पहले भी कोलाइड और बम्बार्डमेंट के बीच में डिफरेंस बताया था, कोलाइड अलग चीज़ है और बम्बार्डमेंट अलग चीज़ है। कोलाइड क्या होता है कि जब दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, दैट इज कोलिजन, जिसे आप ये कहते हो क्या कोलिजन हो रहा है, तो पार्टिकल्स आपस में टकराए हैं, दैट इज कोलिजन। लेकिन जब पार्टिकल्स कंटेनर के वॉल पे जाकर टकराते हैं तब उनसे बम्बार्डमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स से डिस्कशन कर रहे हैं, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपस में टकराएं, उसकी वजह से क्या हुआ, कोलिजन हो रहा है, मतलब आपस में वो टकरा रहे हैं। इसका मतलब ये कि वो डिजॉल्व नहीं हो रहे, और डिजॉल्व नहीं हो रहे तो क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाते हैं आपके सॉल्यूशन में। आपने बहुत सारे सॉल्यूशन देखे हैं, रिएक्शन में सॉल्यूशन बन गया और उसमें प्रेसिपिटेट आउट हो गया कुछ ना कुछ। तो वो कैसे होता है, जब सॉल्यूट के पार्टिकल टकराते हैं तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं उसके, और उसी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। देखते हो ना, आप ऐसे याद रखो कि क्रिस्टल बन गया इसमें, प्रेसिपिटेट क्रिस्टल, थोड़ा सा सिमिलर ऐसे आता है। डिसॉल्यूशन में कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में क्या हुआ, आपस में टकरा गए सॉल्यूट पार्टिकल्स, कोलाइड हो गए और प्रेसिपिटेट बन गए। तो ये दो अलग बातें हैं। फिर आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की एब्रिविएशन यूज़ किया मैंने, शॉर्ट फॉर्म है, बहुत जगह मैं यूज़ करूँगी मैं आगे, तो आप याद रखें ये सॉल्यूशन होता है, कन्फ्यूज ना हो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये वो सॉल्यूशन होता है जिसमें आपने एक बार सॉल्यूट डाल दिया, उसमें डिसॉल्व हो गया एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेकिन आप उसके बाद जब उसमें और सॉल्यूट डालते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं होता, मतलब आप उसमें फर्दर सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, वो सॉल्यूबल नहीं होगा, वो होता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बहुत ही ज़्यादा विनरम सॉल्यूशन कह सकते हो, क्योंकि वो जितना डिसॉल्व कर रहा है उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। अनसैचुरेटेड उल्टा होता है, जितना आपने सॉल्यूट डालते जाओ पूरा क्या होगा, डिजॉल्व होगा, दैट इज योर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम जो मतलब सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हम डिटेल में पढ़ लिए, क्योंकि मैंने पिछले मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिर्फ क्या बताया था, नेम बताया था, मैंने ये नहीं बताया था कि कैसे डिपेंड करते हैं। तो कैसे डिपेंड करते हैं ना, ये डिपेंड इसके ऊपर भी करता है कि आप किसको किस में सॉल्यूबल कर रहे हैं। इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे कि सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व करने जा रहे हैं, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड हम पढ़ेंगे, तो उसमें किस तरीके से सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रही है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो हमें ऐसे पढ़ना है। देखिए सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, मैंने कहा था कि हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी में दो चीज़ तो होती ही होती है, एक होता है आपका सॉल्यूट और दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट। अब ये दो चीज़ें हैं तो इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड भी करेगी, सॉल्यूट का नेचर कैसा है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो वो कैसे डिपेंड करेगा, मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि सॉल्युबिलिटी अलग अलग चीज़, सॉलिड का लिक्विड में अलग होता है, लिक्विड का लिक्विड में अलग होता है, गैस का लिक्विड में अलग अलग होता है, सॉलिड और सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है हम किसका पढ़ रहे हैं, सॉलिड एंड लिक्विड, तो उस हिसाब से मैं अलग अलग में अलग अलग पढ़ गया। नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉलिड और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि लाइक डिजॉल्व लाइक वाली बात पढ़ी होगी, जो लाइक है वो लाइक में डिजॉल्व करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप तो एक दो चीज़ें होती है, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। पोलर को पोलर में डिजॉल्व करेंगे तब वो डिजॉल्व हुआ, इसका मतलब ये होता है लाइक डिजॉल्व लाइक। नॉन पोलर को नॉन पोलर में डिजॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। मींस अगर आप वाटर को डिजॉल्व करें, वाटर इज अ पोलर सॉल्यूट, मतलब अगर आप सॉल्यूट के तौर पर ले रहे हैं वाटर को, तब ऐसा नहीं कि हमेशा सॉल्वेंट के तौर पर ही लेंगे, हम ज़्यादातर लेते हैं इसलिए हम सॉल्वेंट ज़्यादातर वाटर में से लेते हैं। मान लीजिए आप क्या कह रहे हैं कि आपका जो वाटर है वो क्या है, सॉल्यूट है। अब वाटर क्या पोलर है, तो आप उसको किसी नॉन पोलर चीज़ में डिजॉल्व करने जाएंगे तो वो नहीं होगा, मतलब
वो डिजॉल्व नहीं होगा नॉन पोलर में, क्योंकि वो पोलर है तो वो पोलर में ही जाकर डिजॉल्व होगा, वो ग्रेनजीन में जाकर डिजॉल्व नहीं होने वाला, या फिर वो CCF4 में जाकर डिजॉल्व नहीं होने वाला। नेक्स्ट हमारा है मीन्स आप बस इतना याद रखें पोलर डिजॉल्व पोलर। अब पोलर कौन कौन से पोलर होते हैं, कौन कौन से नॉन पोलर होते हैं, वो आप अलग से अपना लर्न कर सकते हैं कि हाँ ये पोलर होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि पोलर नॉन पोलर में भी कन्फ्यूजन रहती है, किसी को नहीं पता होता वाटर पोलर है कि नॉन पोलर है, कोई भी चीज़ नहीं पता होती। टेम्परेचर वो आपकी नॉलेज के ऊपर है। अब टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर ये अलग अलग चीज़ों के लिए डिजॉल्व, आप सॉल्यूट कौन सा ले रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा रहेगा। अब मान लीजिए वहीं आप पहले आपने क्या लिया, कई केसेस में क्या होगा आपका कि टेम्परेचर आप राइज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, कई केसेस में ये बात होगी, कई केसेस में होगा टेम्परेचर राइज करने के साथ साथ आपका सॉल्युबिलिटी फैक्टर डिक्रीज होगा, और कई केसेस में क्या होगा अलग ही वेरिएशन शो करेगा, एक एक्सटेंट तक इंक्रीज हो, एक एक्सटेंट तक इंक्रीज होगा और फिर जाकर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ें अलग अलग थी इसलिए मैंने मतलब इसको एग्जाम्पल समझाया। फॉर एग्जाम्पल आपने सॉल्यूट कैसा लिया उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपने मान लिया ये लिया सोडियम नाइट्रेट लिया, सोडियम नाइट्रेट के केस में क्या होता है ना कि जब हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर राइज करने के साथ साथ जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, मान लीजिए आप किसी चीज़ को मान लीजिए आप चीनी को डिजॉल्व करने जाते हैं, चाशनी बनाने जाते हैं पानी में, तो क्या चीनी ऐसे ही डिजॉल्व हो जाती है, आप नॉर्मली डिजॉल्व करते हो तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन जब आप उसको मान लीजिए आपने हीट प्रोवाइड कर दी, उसे गैस चालू कर दिया आपने और फिर पतीले में पानी दिया, फिर उसमें मतलब चीनी डिजॉल्व करना स्टार्ट की हीट के साथ, टेम्परेचर राइज करने के साथ साथ वो जल्दी जल्दी डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, गायब होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस केस में क्या हो गया आपका टेम्परेचर के साथ साथ टेम्परेचर राइज किया सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है राइज होती है। तो वही केस यहाँ पर क्या है सोडियम नाइट्रेट का है या फिर NH4Cl ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट डिपेंड करता है कौन सा आप सॉल्यूट ले रहे हैं। तो इनके केसेस में या फिर और भी आप एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं उनके केसेस में क्या होता है टेम्परेचर के साथ साथ आपका सॉल्युबिलिटी क्या होता है इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है आपका आप मान लीजिए अलग एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपको दिख रहा है Na2CO3H2O सोडियम कार्बोनेट विद वाटर आपको दिखाई दे रहा है, एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा इसको क्या बोलते हैं, तो Na2CO3H2O करके आप देख सकते हैं, या फिर आप Li2SO4 लिथियम सल्फेट। इन केसेस में क्या होता है आप जब इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, उल्टा काम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप जो वॉशिंग पाउडर लेते हैं, वॉशिंग पाउडर का ही शायद एग्जाम्पल क्लियरली मुझे याद नहीं आ रहा, वॉशिंग पाउडर जो आप लेते हैं धोने में से यूज़ करते हैं, आप ऐसे डिजॉल्व करेंगे पानी में तो वो डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन वहीं आप उसे हीट प्रोवाइड कर दो तवे पे जाकर गर्म कर दो उसको, उसके बाद उसे डिजॉल्व कर होगा वो डिजॉल्व बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपने राइज कर दिया टेम्परेचर को डिजॉल्व होना मुश्किल हो जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी डिक्रीज होगा। तो ये क्या हो गया उसका एग्जाम्पल कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज किस केस में हो जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो थर्ड केस ऐसा केस मिल गया आपको जिसमें सॉल्युबिलिटी एक एक्सटेंट तो क्या कर रही है इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी सब कुछ, एग्जाम्पल इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू योर कॉन्सेप्ट्स। Na2SO4 सोडियम सल्फेट लिया आपने, जब आप इसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी मतलब आपने टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया, कर्व सीधा सीधा गया मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है साथ के साथ, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, एक टेम्परेचर फिक्स होता है जहाँ तक उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ साथ, लेकिन उस टेम्परेचर के बाद उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद एक पीक होता है ना पीक, उस पीक के बाद जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे फर्दर टेम्परेचर वैल्यू विल इंक्रीज, आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया एक नया फैक्टर हो गया। तो वो ब्रेक जहाँ पर आपका सॉल्युबिलिटी का डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है विद फर्दर इंक्रीज इन द टेम्परेचर उसे हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। एक और चीज़ जो मैंने पहले नहीं बताई, जिस केस में आप टेम्परेचर यहाँ ऐसे देखें टेम्परेचर इंक्रीज किया इंक्रीज का साइन है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई मतलब सॉरी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज किया सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, और यहाँ पर तो कोई और ही ट्रांजिशन टेम्परेचर से पहले टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई,
और इसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज किया। इस केस में ये जो फर्स्ट सॉल्यूशंस होते हैं इनमें ये जो रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है विद राइज ऑफ टेम्परेचर वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं कंप्लीटली। इसमें क्या है सेकंड वाले में ये आ रही थी इसमें जो हीट ऑफ एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव होती है और उसमें आपको ये ट्रांजिशन टेम्परेचर वाली बात याद है। नहीं तो ये टेम्परेचर का वेरिएशन था किसके साथ सॉल्युबिलिटी के साथ अलग अलग सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। आप एक के लिए नहीं कह सकते कि आप तो क्या लोग सॉलिड से लिक्विड में क्या होता है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इंक्रीज होता है सॉल्युबिलिटी या डिक्रीज होता है ऐसे आप एक के लिए नहीं कह सकते। आपका पर्टिकुलर सॉल्यूट होता है उसके सॉल्यूट अलग अलग होता है कॉन्सेप्ट उसका यूज आज की वीडियो में इतना ही मैं बताऊंगी। जितना भी आज का पढ़ाया है उसे अच्छे से पढ़े और एनसीईआरटी ज़रूर रीड करें आपको कम्प्लीटली समझ में आएगा क्योंकि ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ मैंने बहुत कम लिखा है एनसीईआरटी में बहुत लिखा हुआ है उसे समझें कि एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन तो वहीं से बने हैं और किस तरीके से आपको आंसर लिखना है वो आपको क्लियर होगा वो आपकी परफेक्ट होगी आंसर राइटिंग इसके अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको समझने के लिए आएंगी और मोर एक्यूरेटली समझ में आएंगी। और ट्राई करें एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने के जहाँ तक कि मैंने पढ़ा दिया वहाँ तक और सेल्फ स्टडी ज़रूर से ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।